मटका सट्टा एक ऐसा खेल जिसमें पब्लिक को लगता है वो आज नहीं तो कल करोड़पति बनेगा ही बनेगा। मेरे भाई हर व्यक्ति इस उम्मीद में है कि 100 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए लगा के कभी ना कभी तो वो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या फिर करोड़ों रुपए पर कमाएगा। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा है मेरे भाई। अगर आप इसका काला सच जानोगे तो आपका रूह कांप उठेगा मेरे भाई, रूह जो है एकदम कांप उठेगा। आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे मेरे भाई, मटका खेलने वाला ऑन एन एवरेज करोड़ों लोग हैं इंडिया में। एक छोटे से शहर अगर दिल्ली की भी एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो मटका खेलते हैं। लेकिन आपको जीतने की संख्या बता दूँ कि ऑन एन एवरेज 1 लाख में से मात्र 1,000 लोग ही जीत पा रहे हैं। 99,000 लोग जो है वो डेली हारते हैं। मतलब जीतने का जो परसेंटेज है वो आपका 1% के आसपास है। मतलब 99% लोग जो है मटका में डेली हार रहे हैं मेरे भाई। लेकिन फिर भी लोग मटका क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि जितने भी मटका कंपनी है, जैसे आप कल्याण पे खेलते होगे, गली पे खेलते होगे, दिशाबर पे खेलते होगे, गाजियाबाद बाजार पे खेलते होगे, बहुत सारे बाजार है, आप कहीं पे भी खेलते होगे। अगर आप कोई भी स्टेट के होगे, लीगल है वहाँ पे, नॉन लीगल, आप कहीं के भी खेलते होगे, आपको एक सपना दिखाया जाता है जिसमें आप 50 रुपए से लेके 500 रुपए तक लगा के आपको लाखों रुपए कमाने का सपना दिखाया जाता है। आपको ऐसा सपना दिखाया जाता है कि आप 1,000 रुपए से आप बना सकते हो यहाँ पे 10 लाख रुपए एक नंबर पे। आपको ऐसा सपना दिखाया जाता है मेरे भाई। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जीतने का ही परसेंटेज बहुत कम है, 99% है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले समझिए कि मटका खेलने वाले लोग कैसे हैं। मटका खेलने वाले मेरे भाई 3 तरह के लोग हैं। जो पहले तरह के लोग हैं वो लोग वैसे, देखिए उनसे इससे पहले आपको बता दूं कि मटका है क्या। मटका बेसिकली एक नंबर का गेम है। जो नए हैं उनको बता दूं कि मटका एक नंबर का गेम है, जहां 0 से लेकर 1, 2, 3, 9 तक का एक 10 डिजिट का नंबर होता है। जहां पे आप एक डिजिट चुनते हैं और वो डिजिट फंस जाता है तो आपको 10 गुना माल मिलता है। अगर आप 2 डिजिट चुनते हो, अगर वहां पे आपको दोनों फंस जाता है तो आपको 100 गुना माल मिलता है। अगर आप 3 डिजिट चूज करते हैं, अगर तीनों फंस जाता है तो आपको 1,000 गुना माल मिलता है। मटका का ये बेसिक फंडा है खेलने का। अब यहाँ पे 3 तरह के लोग हैं। पहले तरह के वैसे लोग हैं, इनको हम लोग, इसका मैंने स्पेशली नाम रखा है पागल पंटर। इसका नाम मैंने रखा है पागल पंटर। इन पंटर का काम क्या है, ये पंटर बेसिकली सबसे कष्ट में यही पंटर है, क्योंकि ये पंटर वैसे होते हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं। डेली 500 से लेके 1,000 रुपए तक का डेली वर्कर, दिहाड़ी मजदूर भी बोल लो, छोटा सा इंजीनियर बोल लो, वर्कर बोल लो, मशीन चलाने वाला बोल लो, उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो डेली 500 से 1,000 रुपए कमाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है डेली 500 रुपए कमाना है और अगले दिन उसमें से 200 रुपए का खेल लेना है, 300, मतलब एक का नहीं हर दिन का है मेरे भाई। वो धीरे धीरे करके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में उनको खुद पता नहीं है कि कितना लाख कितना 1,000 रुपए हार गए हैं और मिलता उनको कुछ नहीं है। जीत उनको 10 में से मेरे भाई 1 मैच में मिलता है। 10 मैच खेलते हैं, 10 दिन नंबर पे खेलते हैं तो 1 नंबर पे मिलता है, और उसी के लालच में कि कभी ना कभी तो उनको बड़ा नंबर फंस जाएगा, बड़ा लॉटरी लग जाएगा, और उस उम्मीद में खेलते हैं और हारते ही जाते हैं मेरे भाई। तो ये पहले तरह के पंटर है। और मेरे भाई जो दूसरे तरह के पंटर बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बिना दिमाग वाला पंटर। इसको बोलते हैं बिना दिमाग वाला पंटर। ये अपने दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है। इस पंटर का काम क्या है, चाहे इनको यूट्यूब पे ले लो, चाहे इनको इंस्टाग्राम पे ले लो, चाहे इनको फेसबुक पे ले लो, इनका काम है कि कोई भी व्यक्ति है जो प्रिडिक्शन दे रहा है, कोई यूट्यूब पे ट्रिक दे रहा है, नंबर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, वो जो नंबर देगा उसी नंबर पे खेल देना। इंस्टाग्राम पे कोई नंबर दिया उसी नंबर पे खेल देना, कोई नंबर दिया उसी नंबर पे खेलते जाना है मेरे भाई। इनको अपना दिमाग यूज, जब अपना इनको दिमाग यूज करना ही नहीं होता है तो ये खेलते ही क्यों है, डेली का 500-1,000 रुपये बर्बाद करते ही क्यों है, करे ही मत। सबसे बेवकूफ़ यही है मेरे भाई कि हार भी रहे हैं और क्यों हारे इनको खुद पता नहीं है। अब जो तीसरा बताऊंगा मेरे भाई, जो तीसरा पंटर होते हैं वो होते हैं मेरे भाई दिमाग वाले पंटर बोलते हैं इनको हम। दिमाग वाले पंटर इसलिए बोलते हैं मेरे भाई इनको, क्योंकि ये दिमाग जो वाले पंटर होते हैं ये चार्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं ट्रिक को, ये को लाइन को देखते हैं, मेरे हर चीज को, चार्ट को, ट्रिक को, लाइन को, सबसे बड़ा चीज ये पैटर्न को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, मेहनत करते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा डेली मेहनत करके नंबर खेलते हैं। और यही सब वो बंदे होते हैं मेहनत करने वाले जो 1% में होते हैं, और बाकी जो बिना दिमाग वाले पागल पंटर है वो 99% में आते हैं मेरे भाई। मेरे भाई मटका सट्टा मैं खुद नहीं तो 6 साल के ऊपर से खेल रहा हूँ, खेलते खेलते मुझे 6 साल हो गया। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, लाखों बार जीत चुका हूँ, 1,000 बार जीत चुका हूँ, फिर भी मैं वीक में 2 ही दिन खेलता हूँ। जब मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है किसी नंबर पे तभी खेलता हूँ मेरे भाई। और कभी कभी मेरे पास बहुत ऊपर से जहाँ पे से नंबर खुलता है, कल्याण का मार्केट खुलता है, भाव खुलता है, रेट खुलता है, जहाँ से नंबर खुलता है वहाँ से मेरे को कभी कभी टिप भी आता है, और वो टिप मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। आप देख सकते हो ये 14,000 मेरा फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, और ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है जहाँ पे आपको एशियन मटका सट्टा किंग लिख के आएगा।
एक बार देखिएगा, मेरे नाम से बहुत फेक चैनल बन गया है, तो उनसे बचने के लिए एशियन मटकार सट्टा किंग, मैं स्टोरी में, इंस्टाग्राम के स्टोरी में हमेशा जो मेरे पास टिप आता है महीने में एक दिन दो दिन तीन दिन जब भी आता है, या फिर आप मुझे डीएम करोगे मैं आपको डीएम में भी बताऊंगा, जब भी आता है मेरे भाई सबको देता हूं और कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिता सकूं। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप कभी ना कभी मेरे से जीत में ही रहोगे मेरे भाई। दोस्तों कभी भी मटका में आप जो है वो छोटा कमाने का सोचो, छोटा मतलब छोटा प्रॉफिट के तरफ चलोगे तब आप जीतोगे। अगर आप चाहोगे कि एक बार में बड़ा प्रॉफिट ले लें, एक ही दिन में चार दिन में अंबानी बन जाए, तो वो इसीलिए डाला ही गया है कि आप खेलो और आप हारो। मैं आपको आज से नहीं पिछले 3 साल से एक चीज समझा रहा हूं कि आपको हमेशा सिंगल खेलना है। जैसे जोड़ी ओपन हुआ 65, आपको हमेशा चाहे ओपन पे खेलना है चाहे क्लोज पे खेलना है, आपको 10% के पीछे भागना है, आपको सौ गुना और हजार गुना के पीछे भागना ही नहीं मेरे भाई। चाहे आप ओपन खेलिए, ओपन जोड़ी खेलिए, चाहे क्लोज जोड़ी खेलिए, इसमें आपके जीतने के चांसेस मेरे भाई 75% है। वहीं अगर आप जोड़ी खेलोगे, अगर वहीं पे आप पाना खेलोगे जो 3 नंबर पे खेलते हैं, वहीं पे चाहे आप संगम खेलोगे मेरे भाई, संगम में तो मान लीजिए जीतने का मात्र 1% है। चाहे आप फुल संगम खेलो चाहे आप हाफ संगम खेलो, संगम में जीतने का आपका उम्मीद मात्र 1% के आसपास है। पाना में आपके जीतने के चांसेस 10% है। 10% का मतलब समझा लो कि अगर आप 100 गेम खेलते हो तो आप मात्र 10 गेम जीत सकते हो, 90 बार आप हारोगे। वहीं आपका संगम में यह क्या है मेरे भाई कि संगम में अगर आप 100 गेम खेलते हो तो एक बार विन करते हो और 99 बार हारते हो। लेकिन वहीं अगर आप जोड़ी की बात की जाए तो जोड़ी में जीतने के चांसेस 30% के आसपास के होते हैं। अगर आप 100 गेम खेलते हो तो 30 बार जीत सकते हो, अगर आप जोड़ी में 10 गेम खेलते हो तो 3 बार जीत सकते हो। लेकिन भाई अगर आप सिंगल की बात करें जहां पे कम लालच है कम प्रॉफिट है, वहां पे अगर आप देखा जाए तो आपके 80% जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट रहते हैं, जहां पे आप 10 में से 8 गेम, 100 में से 80 गेम तक, 75 गेम तक आराम से जीत सकते हो। तो मटका में आगे कुछ कमाना है तो हमेशा सिंगल पे फोकस कीजिए, ये जोड़ी पाना और संगम के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये ओनली आपके हारने के लिए प्लान किए करते हैं वो मटका वाले मेरे भाई। अभी बात करूं मटका का तीसरा जो पहलू निकल के आता है वो मैथ्स। जिस भी भाई को लगता है कि उसका मैथ स्ट्रांग नहीं है, बचपन में मैथ नहीं पढ़ा है, उसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है, उसको 0-8 नहीं समझ में आता है, 51 कैसे खुला नहीं समझ में आता है, 96 कैसे खुला नहीं समझ में आता है, बिना मतलब का कुछ भी सोचते हैं कि आज मंडे को ये खुला तो संडे को ये खुलेगा, संडे को ये खुला तो ट्यूजडे को ये खुलेगा, ट्यूजडे को ये खुला तो मंडे को ये खुला, ये सब चीज़ यहाँ नहीं चलता है मेरे भाई। यहाँ फुल्ली कैलकुलेशन चाहिए और फुल्ली पैटर्न पर काम होता है। आप इस तरह का सोचोगे तो आपका मैथ्स कमजोर है तो इस फील्ड से आप बिल्कुल दूर चले जाओ, ठीक है मेरे भाई। अब आपको एक चीज बताऊं, आपको हमेशा बजट पे ध्यान रखना है। एक चीज तो आपको पहले जो मैंने बताया वो एक चीज जो आपको करना है, हमेशा आपको सिंगल ओपन नहीं तो सिंगल क्लोज पे खेलना है। ये गेम में आप अच्छा कर सकते हो। और बजट की बात की जाए तो सपोज एक दिन आप 1000 से खेलते हो, किसी दिन आप 2000 से खेलते हो, किसी दिन आप 5000 से खेलते हो, किसी दिन आप 100 रुपये से खेलते हो, किसी दिन आप 500 रुपये से खेलते हो, लेकिन इस बजट को है जो परफेक्ट सेट करो। लेकिन होता क्या है, जिस दिन आप जीतते हो उस दिन आप 500 से खेलते हो 100 से, और जिस दिन आप हारने लगते हो शुरुआत में 100-500 जीतते हो, हारने लगते हो उस दिन 2000 से खेलते हो 1000 से, इसमें होता क्या है कि अब हारते ज़्यादा हो और जीतते कम हो मेरे भाई। इस चीज़ को नोट कीजिए, अपने बजट को प्लान कर लीजिए। अगर सपोज आपके पास खेलने के लिए 1000 रुपये है तो आप 1000 रुपये है तो आप महीने में सेट कर लीजिए कि महीने में मुझे 10 दिन खेलना है और 10 दिन 100-100 रुपये करके 10 दिन तक मेरे भाई खेलना है आपको, ठीक है। इस तरह का प्लानिंग करोगे तब आप एक कम से कम माइनस में नहीं जाओगे, ओवरऑल इक्वल में रहोगे मेरे भाई। इस चीज़ को हमेशा ही नोट करके रखना मेरे भाई। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ मेरे भाई कि देखो मटका में जो कुछ भी जो है ना, ऐसा आप सोचते हो कि डे के हिसाब से चलता है, मंथ के हिसाब से चलता है कि आज पिछले संडे को ये खुला था, आज संडे को ये खुलेगा, पिछले फ्राइडे को ये खुला था, इस फ्राइडे को ये खुलेगा, यहाँ पे ये सब चीज़ कुछ नहीं चलता है मेरे भाई। ये सब भ्रम है, ये सब कुछ होता ही नहीं है। ये सब दुनिया आपको पूरे यूट्यूब पर ज्ञान दे रही है कि ऐसे लाइन फॉलो करो, ऐसे ट्रिक फॉलो करो, लेकिन एक्चुअल में ट्रिक होता है, लेकिन ट्रिक सिर्फ हम जैसे कुछ एक्सपर्ट्स को पता है, सब लोगों को ट्रिक नहीं पता है। बाकी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कुछ बकचोदी करके चैनल्स को बढ़ा लिया है, लेकिन ट्रिक एक्चुअली में उन्हें कुछ पता ही नहीं, और आपके सामने बकचोदी करते हैं, आप देखते हो, आप उनको पेमेंट करते हो, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ही नोट कीजिएगा मेरे भाई कि ओपन होने के पैटर्न को समझिए मेरे भाई, ठीक है। ओपन होने के जैसे ही देखो मटका में जितना इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप एक बार ओपन होने के पैटर्न को समझ लोगे, एक बार पैटर्न को समझ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप 10 में से 8 गेम, 10 में से 9 गेम, 10 में से 7 गेम इजीली जीतोगे। सिंगल वाला जो सिंगल ओपन है या फिर सिंगल क्लोज है, इजीली जीतोगे मेरे भाई। इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है मेरे भाई।
और एक चीज आपको आप बताते हैं, चार्ट जैसे कि होता है कोई भी मटका का, सपोज कर लीजिए ये चार्ट है, ठीक है, एक हफ्ते का कोई चार्ट है, अगर आप कोई भी चार्ट कैलकुलेट करते हो, सपोज कि ट्यूजडे को खुल गया 21, अगले दिन खुल गया 64, अब अगले दिन क्या खुलने वाला है, अब देखिए तो यहाँ का आप एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ 24 खुला है फिर 40 खुला है, अब ले लीजिए कि यहाँ पे 24 खुला है उसके बाद ट्यूजडे को 40 खुला है उसके बाद, अपने मन से नंबर यहाँ मत घुसाओ कि यहाँ क्या खुल सकता है, ठीक है, 24 का 4, 40 का 4 तो अगला भी 4, ऐसा नहीं होता, खुलने के बाद आप गेस करने लगते हो कि 40 का 4 है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, हमेशा परफेक्ट, आप उस नंबर के पीछे मत भागो जो आप सोच रहे हो, आप उस नंबर के पीछे भागो जो चार्ट आपको दिखलाना चाहती है मेरे भाई, आप उस नंबर के पीछे भागो जो एक्चुअली चार्ट दिखाना चाहती है, क्योंकि आप जबरदस्ती का किसी भी नंबर को कहाँ पे मत घुसाओ, उसके आगे खुल रहा है 78, 78 को मत घुसाओ, जबरदस्ती का नंबर घुसाना बंद कर दो, जबरदस्ती का नंबर घुसाना है तो मेरे भाई खेलना ही बंद कर दो, सबसे अच्छा है। अब आपको बताते क्या है कि आपको मेरे भाई फर्जी ट्रिक मार्केट में क्या है कि किसी को 90% लोगों को ट्रिक पता नहीं है, वो फर्जी ट्रिक बताते हैं और उस फर्जी ट्रिक से आप खेलते हो, आप लगातार लॉस में लॉस 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 आपका लॉस होते ही चल जाता है, आप हारते ही चल जाते हो मेरे भाई, ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, ट्रिक होता है, आप हमें ट्रिक उस ट्रिक को बोलते हैं जब आप 10 गेम खेलते हो सिंगल ओपन का या सिंगल क्लोज का, और 10 में से 7 बार आपका ट्रिक पास हो रहा है, अगर हफ्ता में 6 गेम हो रहा है, 6 में से अगर आपका ऑन एन एवरेज 4 गेम भी पास हो रहा है, अगर आप मान लो कि आप ओवरऑल 10 गेम खेलते हो, 10 में से 7 मिनिमम 6, अगर मिनिमम 6 नहीं पास हो रहा है तो समझ लीजिए वो ट्रिक बेकार है, वो कोई काम का ट्रिक नहीं है, अब आपको ट्रिक पे काम करने की जरूरत है, ट्रिक्स पे भी वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, अभी आपको बताऊंगा मेरे भाई। देखिए मेरे भाई एक चीज़ आप जान लीजिए, कल्याण मार्केट जो है, कल्याण मार्केट या फिर दिसावर का मार्केट या फिर कोई भी मार्केट, वो आपके साथ कैसे खेलता है, देखिए आपके आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि यहाँ 24 खुला है उसका 40 खुला है, जो दिमाग में 24 40 खुला है ना, तो ये चार नंबर जो है, ये चार आपके दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया कि अब चौथा नहीं खुलेगा, और क्या होता है कि अगला नंबर 4 खुल जाता है क्लोज का, तो आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि हमेशा आप जो कल्याण मार्केट जो है वो आपके साथ आपके दिमाग को रीड करता है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 24 खुला है फिर 40 खुला है तो अगला नंबर आप क्या सोचोगे, अब अगला नंबर जो आप सोचोगे वो नंबर खुलेगा ही नहीं, तो आपको करना क्या है, आपको उस नंबर पे काम करना है जो नंबर आपको लगता है कि कम से कम खुलने का चांसेस है, जिस दिन के लिए आप कंफर्म हो जाओगे कि मिनिमम प्रोबेबिलिटी किस नंबर के खुलने का है और ट्रिक आप निकाल लोगे, आप उस दिन से मेरे भाई जीतना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं ट्रिक्स का वीडियो डालूं और आपको बताऊं कि सिंगल, मेरे पास जो ट्रिक है मेरे भाई वो सिंगल ओपन का है सिंगल क्लोज का है, अभी मेरे पास फिलहाल पाना वाना का कोई ट्रिक नहीं है, मैं हवा में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास सिंगल ओपन और सिंगल क्लोज का मेरे पास ट्रिक है, अगर आप चाहते हो कि मैं उस ट्रिक का वीडियो डालूं तो मेरे भाई इंस्टाग्राम पे मेरा 14,000 अभी फॉलोअर है, इसको आप 20,000 करो, जैसे ही ये 20,000 पूरा होगा मैं आपको ट्रिक दूंगा, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आपको जाना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक पे क्लिक करोगे आपको लिख के आएगा एशियन मटका सट्टा किंग आर्यन गुरुन जी, आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा, आप इस पर फॉलो करो और वीडियो पे 10,000 लाइक का एम करते हैं, 10,000 मेरे भाई लाइक कर दोगे, 10K लाइक कर दोगे और यहाँ पे 20,000 फॉलोअर कर दोगे, आपको एक नंबर ओपन ट्रिक का ऐसा ट्रिक दूंगा ना कि मटका को कल्याण के माँ चोद के रख दोगे पूरे मार्केट के ट्रिक को, समझे मेरे भाई, तो जाके जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए और बाकी भोलेनाथ पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।